हाँ भाई, गुड आफ्टरनून। ओके सर, हाउ आर यू? फाइन। हाँ ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी और इंग्लिश? सर, बोथ लैंग्वेज। बोथ लैंग्वेज। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज गिव योर इंट्रोडक्शन। ओके सर, माय नेम इज युवान शर्मा। आई बिलोंग टू हिमाचल प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, विलेज नेम चंद्रून। एंड माय हॉबी इज टू प्ले क्रिकेट। एंड माय पैशन एंड माय रोल इन क्रिकेट इज टू इज बैटिंग। ओके, एंड व्हाट अबाउट योर फैमिली? माय मदर नेम इज पूजा रानी एंड शी डजंट डू एनी जॉब, शी इज एन हाउसवाइफ। एंड माय फादर नेम इज मिस्टर अमित कुमार एंड ही डू अ गवर्नमेंट जॉब। ओके, योर फादर इन द गवर्नमेंट, राइट? ओके, आर यू बिलोंग फ्रॉम द हिमाचल, राइट? यस सर। ओके, हिमाचल इज दी फेमस फॉर? सर हिमाल सर हाईएस्ट पीक्स हाईएस्ट हिमालयस हिमालयस। एंड हाई एल्टीट्यूड्स, मोटरेबल हाई एल्टीट्यूड्स ओके, डू यू एंड नो? ब्यूटीफुल व्यूज। ओके ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हिमाचल? सॉरी सर, आई डोंट नो। ओके, व्हेन फॉर्मेशन ऑफ द हिमाचल? सर 1971 or 2, 1970, नॉट नॉट कंफर्म। कंफर्म, 1971। ओके, तो मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, आपने उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें अपना आंसर करना है, ठीक है? सर कैन आई स्पीक हिंदी? हाँ, नॉट इश्यू, ठीक है? ओके फॉर सर। एग्जाम्पल, युवान अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है, कहीं जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप हिमाचल से जो है चंडीगढ़ आ रहे हैं, ओके तो सर। रास्ते में युवान ने पाया कि एक एक्सीडेंट, ठीक है, एक एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, ठीक है? तो उस एक्सीडेंट को देख के आपका पहला कदम, फर्स्ट कदम, यानी कि फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? आप वहां पे कैसे उस सिचुएशन को जो है हैंडल करोगे? सर पहले तो मैं अभी जब मैं कार से देखूंगा कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, तो फर्स्ट सर मैं अपने पहले मम्मा पापा को बोलूंगा कि एक मिनट कार रोको, और मैं उनको सिचुएशन बताऊंगा कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। तो मैं जब उतरूंगा तो मैं देखूंगा कि किस मतलब व्हीकल से हुआ है, ये कार से हुआ है या बाइक से हुआ है। ओके, तो जब मैं देखूंगा तो मैं देखूंगा कि किस मतलब ऊपर है या नीचे, मतलब कि ब्रिज, अगर ब्रिज में हम ट्रेवल कर ब्रिज के ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं, तो उनके जब वो क्रैश हुई थी तो वो नीचे गिरे थे या ऊपर। और मैं फिर बाकियों से पूछूंगा कि ये इनका मतलब गाड़ी से या बाइक से क्रैश हुआ था, या इनका जो व्हीकल होस्ट था वो किसी पिलर के साथ टकरा गया था। ओके, फिर अगर किसी ने एम्बुलेंस नहीं कॉल की होगी तो मैं वो करूंगा। उसके राइट। बाद मैं उस डॉक्टर से ये कहूंगा कि इनका एक्सीडेंट हुआ था और मैं कार से मतलब चंडीगढ़ जा रहा था हिमाचल से, और मेरे को ये रोड में मिले तो मैंने आपको कॉल कर दी। सर ये वेरी स्टेप गुड। होंगे। ओके, तो एक कदम ये भी तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी में फर्स्ट एड हो, आप उनको फर्स्ट एड भी दे सकते हो, ठीक है, आपके यस पास। सर, अगर हमारी गाड़ी में फर्स्ट एड होता तो हाँ जितना हम उनको कर सकते थे हम उतना कर देते। अगर हाँ कहीं राइट, पे कोई जख्म सा हुआ है तो हम उधर डेटॉल लगा देते और कॉटन से उसको साफ कर देते, और वेरी अगर गुड, कुछ ज्यादा लगी होती तो हम डॉक्टर को सीधा कॉल करते थे, फिर उनकी डेथ भी हो सकती थी अगर लेट हो जाती। श्योर। ओके, आप आरएमएस में जाना चाहते हो, राइट? तो यस सर। क्या आप आरएमएस के बारे में बता सकते हो कि आरएमएस कितने हैं पूरे इंडिया में? यस सर, आरएमएस जो है उसकी फुल फॉर्म है, एक तो है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, और इसमें जो बच्चे होते हैं वो जाना इसलिए जाते हैं क्योंकि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एनडीए की तैयारी करवाते हैं, और जो बच्चे आर्मी में इंटरेस्टेड हैं वो इधर कोचिंग लेते हैं। ओके ओके, ठीक है। कितने आ रहे हैं ऐसे में टोटल इंडिया में? यस सर, देर आर ओनली 5 स्कूल्स। ओके, डू यू नो वेयर वेयर? सर वन इन हिमाचल, वन एंड इन बेलगांव, एंड सर सर आई ओनली नो टू, ओके, नॉट फर्स्ट इन दी सॉरी केएल सर। हिमाचल प्रदेश, टू इन दी कर्नाटका बेलगांव, एंड
बेंगलुरु और टू इन दी राजस्थान, ढोलपुर एंड अजमेर, राइट? यस सर। ओके, तो आपने बताया कि आपकी हॉबी जो है वो क्रिकेट है, ठीक। यस सर। सो इस बार का जो 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, ओडीआई सर हाँ ठीक है, तो वो कहाँ पे हुआ था? दिस वाज इन इंडिया ओके, कौन सी टीम जीती थी इस बार? सर ऑस्ट्रेलिया। वेरी गुड। डू यू नो व्हाट इज द ग्राउंड नेम ऑफ द क्रिकेट? क्रिकेट का ग्राउंड नेम क्या है? सर जहां पे फाइनल हुआ था नहीं, यानी कि हम कोई भी क्रिकेट खेलते हैं उसके ग्राउंड को क्या बोला जाता है? सर स्टेडियम। स्टेडियम। ओके ठीक है, चलो बाद में मैं आपको जो भी आपकी मिस्टेक है वो बताता रहूंगा, ठीक है, चलो। ओके, सो आपका एम क्या है जिंदगी में? सर आई वॉन्ट टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर। यू वॉन्ट बी कम ए आर्मी ऑफिसर, ठीक है। डू यू नो हु इज दी आर्मी चीफ एट प्रेजेंट टाइम? सर सर आई नो वाइस चीफ। नॉट वाइस चीफ, आई आस्क दी आर्मी चीफ। आर्मी चीफ सर ऐसे नहीं बैठ नो सर सीता। सर नो। ठीक, बोलिए बोलिए। ओके, नहीं पता। No, ओके, कौन बिच रिवर नोन एज ए सदन गंगा? सर सदन सदन गंगा, सदन सर ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। नॉट इन दी सदन, सदन में नहीं बहती भाई ब्रह्मपुत्र, सर नर्मदा। नॉट नर्मदा। राइट आंसर इज गोदावरी, राइट। कोई इशू। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एनडीए? नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस अकेडमी। ओके, आपका कोई हमें दो खूबियां बता सकते हो? आप में कोई दो खूबियां क्या है, आपके पॉजिटिव पॉइंट क्या है? पॉजिटिव पॉइंट्स सर आई एम ऑलवेज कॉन्फिडेंट एंड ओके नेवर गेट नर्वस। ओके, नॉट नेगेटिव्स, वो तो आपके कॉन्फिडेंस से लगी ना। ओके, सो कोई दो नेगेटिव पॉइंट हो आप में, दो कमियां हो? सर नेगेटिव पॉइंट्स हाँ, नेगेटिव पॉइंट्स। सर व्हेन समवन हिट्स इन माय आर्म आई गेट वेरी पेन ओके, एंड सर इन माय आल्सो इन माय टू और लेग। सॉरी, विच वन? सेकेंड, सर व्हेन समवन हिट्स इन ऑन माय आर्म एंड सर ऑन द थाई हाउ मेनी टाइप ऑफ दी टेंसेस इन इंग्लिश? थ्री सर थ्री टाइप्स टाइप, कौन कौन से? ओके, सर प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दी सिंपल इंटरेस्ट? सर SI इक्वल्स P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक, ओके। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ओके सर। ठीक है। तो आपने बोला था कि आपकी हॉबी जो है वो बैटिंग है, यस सर। ठीक है, तो कोई आप भारत के दो सबसे अच्छे बैट्समैन के नाम बता सकते हो? सर MS धोनी हाँ, एंड विराट कोहली। कोहली विराट कोहली। ओके, हु इज द कैप्टन एट प्रेजेंट टाइम ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम? सर रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। ओके ठीक है जुवान जी, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा था, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है। एक तो बेटा आपने स्टेडियम बोला था, क्रिकेट का जो ग्राउंड होता है उसका बेटा पिच बोलते हैं उसे, ठीक ओके सर। है। और स्टेडियम तो पूरा हो सकता है, स्टेडियम में तो बहुत सारे जो है ग्राउंड हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक आर्मी चीफ पूछा था, तो हमारे जो आर्मी चीफ हैं जो वो जनरल मनोज पांडे हैं एट प्रेजेंट टाइम, ठीक है। ओके सर। चलो कोई नहीं, ये हम आगे जब क्लास करेंगे तो ये तो बेसिक चीजें हैं, तो ये मैं आपको बता दूं। ओके सर।
ठीक है, बाकी आपने वो सिचुएशन वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा आंसर किया, ठीक है। हिमाचल का आपने बोला था कि सबसे ऊंची चोटी, ठीक है बेटा, वो सबसे ऊंची चोटी तो सिक्किम में है, ठीक है, हाँ हिमालय है, ठीक है, हिम प्लस आचल यानी कि हिमालय का घर, ठीक है। सो ये बातें आपने ध्यान रखी, ठीक है। और भी कुछ ऐड कर सकते हो हिमाचल में तो, ठीक है, जैसे कि बेटा काफी सारे फेमस टेम्पल भी हैं, ठीक है, तो वो बता सकते हो आप कि सर ये हिमाचल में है, ठीक है, ओके और इसको सर, देवभूमि कहा जाता है, ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है। हु इज दी सीएम, कौन है आपके हिमाचल का अभी प्रेजेंट टाइम, मालूम है? सर वो ठाकुर सर के हाँ कोई इश्यू नहीं, और बेटा जब भी आपको होने किसी, वो ठीक है कोई नहीं, वो हम डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। और एक ये है कि जब भी आपको कोई आंसर ना आए ना, तो आपने रिग्रेट फील नहीं कर, ठीक है, आप ऐसे आंखें बंद कर रहे हो, ठीक है, आप आंखें बंद करके बता रहे हो, ये चीजें नहीं कर रही, सर, ठीक वो है, क्वेश्चन का आंसर क्या था? व्हेन वाज हिमाचल फॉर्म? ठीक है। वो 1971 ही आएगा, राइट आंसर था वो, ओके सर। ठीक है। हाँ वो कहाँ से लग हुआ था, हिमाचल, पंजाब से, सर आप पंजाब। पंजाब से, ठीक है। तो आगे हम जीके की ऐसे क्वेश्चंस और भी रखेंगे, और आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासें भी होगी, ठीक है। जो तो पहला सेशन था, इसमें तो जस्ट हम चेक ही कर रहे हैं कि आपको कहाँ तक आप स्टैंड करते हो, ठीक है। ओके, तो यस ये, सर, हाँ थोड़ी ड्रेस आप पेंट शर्ट अगर आपके जाए, ठीक है, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। पेंट ओके सर, कोट भी डाल के जा सकते हो, टाई लगा के जा सकते हो साथ में, और ब्लैक शू होने चाहिए आप, ठीक, और थोड़े बाल वगैरह ठीक करके जाना, ठीक। हाँ आप तो ऑफलाइन भी आ सकते हो ना, यस सर, हाँ ठीक है, तो आपको तो ऑफलाइन हम बुलाएंगे, ठीक है, एक फेब से, ठीक है। सो ओवरऑल बाकी ओके आपका सही था, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था, थैंक यू वेरी मच। सर। ओवर ओवर तो नहीं था, ओवर कॉन्फिडेंस है? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस ओवर। नहीं था, नहीं ठीक था, और ध्यान पूर्वक आपने क्वेश्चन सुना, उसके बाद फिर आंसर दिया, ठीक है। यही होता है बेटा, जब भी आप इंटरव्यू में जाएं, ठीक है, तो पहले जो बोर्ड बैठा है इंटरव्यू के आपने सामने बैठा है, उसकी बात सुनिए, उसके बाद आपने आंसर जो है अपना डिलीवर कर, ठीक है, यस बहुत अच्छा, ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। बाय बेटा।